आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इस टारगेट का अभी तक सिर्फ 25% ही पूरा कर पाई है, जबकि सरकार को साल 2018 तक ये लक्ष्य पूरा करना है। राजधानी दिल्ली की सभी बस्तियों को खुले में शौच से दूर करने का वादा सरकार ने जोश में कर तो दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार अपने इस वादे पर खरी उतरने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार की ही एक रिपोर्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अनुसार दिल्ली की बस्तियों में रहने वाले कुल 25% लोग ही शौचालय का इस्तेमाल कर पाते हैं। दिल्ली में करीब 15 लाख से ज़्यादा झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, जिनके केवल 3 लाख लोग ही समुदाय शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने इस साल नवंबर तक 19,168 टॉयलेट्स बनवाए हैं, जिनमें से 887 टॉयलेट सीट्स को मरम्मत की ज़रूरत है। हालांकि सरकार का टारगेट साल 2018 के पहले महीने तक 27,000 शौचालय बनवाने का है, जिसे इतने कम समय में पूरा करना आप सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 लोगों पर एक टॉयलेट होना चाहिए। दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में करीब 3,70,386 लोग रहते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो करीब 30,000 शौचालयों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले शौचालय दिल्ली की ज़रूरतों के हिसाब से भी कम हैं। इन कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने वाले सभी झुग्गी वासियों को 2 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है, जबकि कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि नए साल तक सभी झुग्गी वासियों की शौचालय की समस्या को सुलझा दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को शौचालय के इस्तेमाल के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार का झुग्गियों को खुले में शौच से दूर करने का ये सपना पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।